हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएसपी लर्निंग हब, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। माय सेल्फ मीनाक्षी आहूजा। टुडे वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द कनेक्टेड विद द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। Nucleolus, the dense part of the nucleus. Chromatin, see this thread-like structures which is made up of DNA and proteins are called chromatin. Nucleoplasm, the liquid material inside the nucleus is called nucleoplasm. Nuclear pore and nuclear envelope. Nucleus is a dense protoplasmic body that contain heredity information for the controlling cell activities as well as transfer to the next generation. Nucleus is a dense protoplasmic body. Protoplasm ki dense body hoti hai jo ki heredity information ko yani ki parents ki information ko next generation tak lekar jati hai. Nucleus is a largest cell structure which is oval or spherical. Nucleus जो होता है largest cell structure होता है जो या तो oval होता है या spherical. Nucleus lies in median for the central position or central position in animal cells or young plant cells. यानी कि young plant cells में और animal cells में इसकी जो position होती है central होती है cell में. But in major plant cell, the nucleus lies towards the periphery due to फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. जैसे जैसे सेल प्लांट सेल मैच्योर होती जाती है उसकी वैक्यूल बड़ी होती जाती है और वो न्यूक्लियस को पेरीफेरी यानी कि कॉर्नर में ट्रांसफर कर देती है. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एसेट्रा द हेरिडिटी मेटेरियल इज विदाउट मेम्ब्रेनस कवरिंग. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है. उसको कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती. जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए वो आप साइटोप्लाज्म में फैला होता है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को. कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उसका. सम सेल्स लैक न्यूक्लियाई एट देयर मैच्योरिटी. कुछ सेल्स मैच्योर होने पर उसका न्यूक्लियस जो होता है डिसअपीयर हो जाता है. जैसे आरबीसी इन मैमल्स एंड सीव एलिमेंट्स इन प्लांट्स. सीव एलिमेंट्स फ्लोएम का पार्ट होता है. फ्लोएम चार तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती हैं जिसमें सीव एलिमेंट्स भी होते हैं. तो प्लांट्स के सीव सेल्स में और एनिमल्स की आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो इनके मैच्योर होने पर डिसअपीयर हो जाता है. सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. तो ऐसी सेल्स ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती. इनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है. वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स बट सम सेल्स मे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस लाइक पैरामीशियम. पैरामीशियम हैव टू न्यूक्लियस. नाउ द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियर एनवलप. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. और जो न्यूक्लियस के बाहर बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स. जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो लिपो प्रोटीन्स की बनी होती है यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस. ये डबल लेयर होती है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है. द न्यूक्लियर एनवलप हैज माइन्यूट पोर्स. इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस टेक प्लेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. जिसकी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मटेरियल को हम आपस में एक्सचेंज कर पाते हैं.
सेल एक्सचेंज कर पाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज डेट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच इज एनक्लोज बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर एम्बेडेड इन इट। इन एडिशन टू राइबोसोम्स डेंसली डेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड द न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इस आपके इसके अंदर का जितना भी लिक्विड है सब न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स बिखरे होते हैं और इसके अलावा इसमें ये डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं और इसके चारों तरफ ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं जो डीएनए और प्रोटिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस मे बी वन और मोर इन नंबर एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल से रिच होता है एंड एक्ट एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। क्योंकि हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर ही बने होते हैं इसलिए ये राइबोसोम्स फॉर्मेशन की साइट भी कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म। देखिए इस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कर रही हैं तो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो ये न्यूक्लियोपोर से होते हुए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाकर चिपक जाते हैं। ये जो डॉट डॉट्स है ना ये आपके राइबोसोम्स हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब ये राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्रोमेटिन मेटीरियल, द क्रोमेटिन मेटीरियल इज अ थिन थ्रेड लाइक इंटरविंड मास ऑफ द क्रोमोसोम मेटीरियल एंड कम्पोज ऑफ द जेनेटिक सबस्टेंस डीएनए एंड प्रोटीन जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन लगी होती है। बेसिकली क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ द रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स की सब यूनिट से मिलकर बना होता है डीएनए ईच ऑफ विच हैज अ डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड अराउंड अ डिस्क ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन की एक प्रोटीन डिस्क होती है जिसके चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलरी कॉइल्ड होता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं एक यूनिट को। डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। सेल के फंक्शन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस फर्दर सेल टू द नेक्स्ट जनरेशन। डिस्टेंट सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। यानी कि डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। द क्रोमेटिन इज कंडेंस्ड इनटू टू और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल के डिवीजन के समय ही ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है। फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि ये पेरेंट्स से लेकर बच्चों में उनके जनरेशन को पेरेंट्स के जनरेशन को उनके बच्चों तक पहुंचाते हैं। हेरिडिटी आनुवंशिक होते हैं। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं इसलिए राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल होती है यानी एक सेल से दूसरी सेल बनने तक की प्रोसेस, तो उसके लिए न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। सेल साइकिल के बारे में मैं आपको अपने आगे और वीडियोज में बताऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर इसमें किसी भी साइंटिफिक टर्म में आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।